हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले कक्षा 10 की गणित की एक नया अध्याय की शुरुआत करने वाले प्यारे बच्चों। आज का हमारा चैप्टर है वृत्त सर्कल, यानी हम प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम जानेंगे वृत्त क्या होता है और वृत्त से आधारित कुछ परिभाषाओं को जानेंगे, तब प्रश्नावली 10.1 को स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। और स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं भाई। आज की सबसे फर्स्ट टॉपिक होती है कि आखिर आपकी वृत्त क्या होती है, छेदक रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है। अगर हम इन सब रेखाओं की चर्चा कर लेंगे तो आपको प्रश्नावली 10.1 फुल मक्खन हो जाएगी प्यारे बच्चों। केवल 10 मिनट की क्लास रहने वाली, उसके बाद मुलाकात होगी 10.2 में, ठीक। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं आखिर यार वृत्त क्या होता है। देखिए जिन प्यारे बच्चों को वृत्त से रिलेटेड या कुछ बेसिक मैथों की वीडियो चाहिए या कुछ फॉर्मूले चाहिए तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप हर एक चीजों की बेसिक टॉपिक, ये सब तमाम चीजों की, जैसे जिस टॉपिक की जानकारी आपको चाहिए, सर इस टॉपिक पे आप बता दीजिए या इस टॉपिक पे, तो आप बोल सकते हैं। यहाँ चैप्टर में केवल वृत्त जानना, वृत्त क्या होता है वो ध्यान से समझना भाई। वृत्त और गोला, जिन भाई लोग, जिन प्यारे बच्चों को पता होगा कि गोला और वृत्त में क्या अंतर होता है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देंगे कि गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है। एक अंतर आपको बताना, केवल ओनली एक अंतर, अच्छा सा जो भी अच्छा लगे आपको गोले और वृत्त में अंतर बताना। देखते हैं कितने बच्चे कमेंट में बॉक्स जवाब देते हैं कि भाई गोले और वृत्त में क्या अंतर होता है। अब बात करते हैं वृत्त। वृत्त क्या होता है कि मैंने कहा कि जैसे ये कोई एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, ये एक निश्चित बिंदु मान लेते हैं, इस निश्चित बिंदु के चारों ओर घिरा हुआ वह तल, घिरा हुआ वह तल जो कि इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। देखिए निश्चित बिंदु से समान दूरी पर घिरा हुआ तल, निश्चित बिंदु से समान दूरी पर घिरा हुआ तल ही क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता। अब आप कहेंगे सर ये तो परिभाषा मेरे दिमाग में जा रहा है परंतु बहुत कम जा रहा है, मैं आ जाओ दूसरा बता दे रहा हूं, छोड़ दो उसको परिभाषा। एक निश्चित बिंदु मान लो, इसके चारों ओर स्थित बिंदुओं का वह समूह, ये देखिए सब बिंदु है, स्थित बिंदुओं का वह समूह जो कि एक निश्चित बिंदु से क्या पर, किस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है, क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। एक बार फिर से भैया, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का वह समूह, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का वह समूह, या हम बिंदुओं का बिंदु पथ ही क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। समझे, एक बार आप फिर से इसे क्लियर कर लीजिए। वृत्त किसे कहते हैं भैया, वृत्त हम कह सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर, या हम कह दें एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ घिरा हुआ वह तल, घिरा हुआ वह तल जो कि एक समान दूरी पर स्थित हो, घिरा हुआ वह तल जो इस निश्चित बिंदु से क्या हो, समान दूरी पर स्थित हो, क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। अब हम बात करेंगे वृत्त की छेदक रेखा की, वृत्त की स्पर्श रेखा। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को केवल एक जगह काटती है, जो वृत्त को केवल एक जगह काटती है वो कौन सी रेखा कहलाती है प्यारे बच्चों, स्पर्श रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। आप समझ पाए, यानी वृत्त वह रेखा जो वृत्त को केवल एक जगह प्रतिच्छेद करती है उसे हम स्पर्श रेखा का नाम देते हैं। अब इसको हम दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं, यानी जहां वृत्त की परिधि और खींची गई रेखा और वृत्त की परिधि पर केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। उभयनिष्ठ मतलब जहां दोनों क्या हो जाए मिल जाए वो हमारी क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। इसी में बात आती है छेदक रेखा। कौन सी रेखा, छेदक रेखा। छेदक रेखा वो होता है प्यारे बच्चों, वह रेखा जो वृत्त को दो जगह काटती है, जो वृत्त को दो जगह पे काटती है प्यारे बच्चों वो कौन सी रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। कौन सी रेखा कहलाती है भैया, छेदक रेखा कहलाती है। बात समझ पा रहे हैं आप, छेदक रेखा क्या होता है, जो वृत्त को दो जगह पे प्रतिच्छेद करे वो कौन सी रेखा कहलाती है, छेदक रेखा कहलाती है। अगर हम एक रेखा ये खींच दें प्यारे बच्चों तो ये होती है अप्रतिच्छेदी रेखा। कौन सा होता है, अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी ये एक ऐसी रेखा है जो कि वृत्त को स्पर्श भी नहीं कर रही है और न तो वृत्त को काट रही है। समझ पा रहे हैं। अब आप एक पॉइंट और जान लीजिए कि ये जो स्पर्श रेखा और जो ये वृत्त है, इस कटान बिंदु को हम स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं,
स्पर्श बिंदु भी कहते हैं। एक बार फिर से हम शुरुआत करते हैं वृत्त से। सर्कल क्या होता है? एक निश्चित बिंदु को एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घिरा हुआ वह तल, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर घिरा हुआ वह तल जो कि समान दूरी पर स्थित होता है वह वृत्त कहलाता है। भैया वृत्त, वृत्त की स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को केवल एक जगह काटती है वो स्पर्श रेखा कहलाती है, और जिस बिंदु पे काटती है उसे हम स्पर्श बिंदु का नाम देते हैं। छेदक रेखा क्या होता है? जो वृत्त को दो जगह प्रतिच्छेद करती है वो छेदक रेखा कहलाती है। अप्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है? जो वृत्त को कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करती, जो वृत्त के वृत्त को स्पर्श भी नहीं करती वो हमारी क्या कहलाती है? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। प्यारे बच्चों आइए हम इन्हीं तमाम जानकारियों को लेते हुए प्रश्नावली 10.1 को देखते हैं और एक एक सवाल करके सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों तो गाइस सबसे पहला जो स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई पड़ रहा था वो क्या कर रहा है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? जवाब देना यारो, फट से कमेंट बॉक्स में जवाब दो। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का कि बताओ एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। प्यारे बच्चों फटाक से जवाब दीजिए आप। चलिए जितने लोगों ने कमेंट दे दिया होगा, कमेंट में जवाब दिया होगा उनको भी धन्यवाद, और जो बच्चे नहीं दिए हैं जिनको नहीं आ रहा उनके लिए भी कोई बात नहीं। प्यारे बच्चों सबको आएगा। देखिए मैंने क्या कहा कि ये मान लेते हैं कि ये कोई छोटा सा सर्कल हो गया, कोई वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में ऐसा तो है नहीं कि एक ही बिंदु है, वृत्त के परिधि में बहुत सारे बिंदु हैं, बहुत सारे तो मैंने काफी दूर दूर पे बिंदु आपको दिखा रहा हूं, बहुत सारे बिंदु है, बिंदुओं का समूह ही तो वृत्त बनकर, बिंदुओं के कई समूह मिलकर ही तो वृत्त बनाते हैं। अब बताओ मैंने कहा यार एक स्पर्श रेखा मैं इससे खींच लिया, एक स्पर्श रेखा इससे, फिर एक स्पर्श रेखा इस वाले से, फिर एक इससे, फिर एक इससे, फिर एक इससे, तो मतलब कहने का मतलब है कि वृत्त की परिधि पर बिंदुओं की संख्या निश्चित नहीं होती, इसलिए स्पर्श रेखाओं की भी संख्या निश्चित नहीं होगी। यानी जो पहला जवाब है प्यारे बच्चों एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो प्यारे बच्चों एक वृत्त की असंख्य स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि परिधि पर स्थित बिंदुएं असंख्य होती हैं। क्या बात समझ आया प्यारे बच्चों? तो इसका जवाब हम दे देंगे प्यारे बच्चों, पहला का जवाब होगा कि असंख्य यानी अनंत कह सकते हैं, जिसे हम असंख्य रेखाएं, असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, असंख्य स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्यों? क्योंकि वृत्त के परिधि पर असंख्य बिंदु होते हैं। ठीक, अब जो आपका प्रश्न नंबर 2 है वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपको खाली स्थान दे रहा है बहुविकल्पी भरने के लिए। तो चलिए पढ़ते हैं क्या करा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, ये मान लो यार चलो एक अगला वाला वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त हो गई, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, तो बताओ ये स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक जगह प्रतिच्छेद की है ना, तो वही तो पूछ रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो पहले का जवाब दे देंगे एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है ना। आगे आगे क्या कर रहा है? अगली दूसरी पढ़िएगा, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। अभी सर जी ने बताया था कि जो रेखा वृत्त के दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दे उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। तो बोलो यार सेकंड वाले का नाम हम दे दिए छेदक रेखा, भाई आप दो जगह प्रतिच्छेद कर रहे थे। चलिए थर्ड पॉइंट, एक वृत्त की आगे खाली दिया है, फिर करा समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब है प्यारे बच्चों कि एक वृत्त की कितनी समांतर रेखाएं स्पर्श रेखा हो सकती हैं, ऐसे कहने का मतलब। आप ये कोई वृत्त बना लिए, एक यहां स्पर्श रेखा खींच दिए, एक यहां स्पर्श रेखा खींच दिए, ये दोनों स्पर्श रेखा हैं और दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो कितनी है? एक और दो। अब आप सोच रहे होंगे सर एक यहां खींच दे, भाई एक यहां तो खींच दोगे, इसका समांतर ये होगा तब भी तो एक और दो हुआ। तो यानी कहने का मतलब है कि एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे की क्या होती है? समांतर होती है। तो प्रश्न जो कह रहा था कि एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो तीसरा जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? दो। चलिए चौथा नंबर, इसका चौथा नंबर क्या कर रहा? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखाएं के उभयनिष्ठ बिंदु को, अभी मैंने बताया था इस उभयनिष्ठ बिंदु का नाम होता है स्पर्श बिंदु। कौन सा नाम होता है प्यारे बच्चों?
स्पर्श बिंदु। इस प्रकार आपका दूसरा और पहला कंप्लीट होता है। इस अध्याय का आपका जो है तीसरा वाला सवाल क्या करा उसको हम देखते हैं और इसको हम क्या कर लेते हैं, मूव कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो गाइज आपका जो प्रश्न नंबर 3 कह रहा था उसका हमने चित्र बनाया, उसका चित्र यह है पूर्ण रूप से बनाया। यहां पी क्यू आपकी स्पर्श रेखा है और ओ क्यू जो है केंद्र से होकर जाने वाली कोई रेखा, ठीक, जिसकी वैल्यू 12 दिया है और त्रिज्या आपकी 5 है। आपसे ये पूछा प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जो स्पर्श रेखाएं हैं ना वो त्रिज्या के साथ समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। जब यहां समकोण हो गया तो ये आपकी कर्ण हो गई, ये आपकी कौन सी भुजा हो जाएगी बताओ, ये आपकी जो है लंब हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो आपको लंब ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पी क्यू का वर्ग बराबर होता है ओ क्यू का वर्ग और माइनस क्या हो जाएगा ओपी का वर्ग। चलिए ओ क्यू, ओ से लेके क्यू की दूरी कितनी है 12 है और माइनस ओ से लेके पी की दूरी कितनी है 5 है। तो ये 12 का वर्ग करेंगे 144 और इसका वर्ग करेंगे 25, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, घटाओ 14 में से 5 घटाएंगे 9, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1 और ये 1 बच जाएगा, ठीक। तो 119 बचेगा, कितना बचेगा 119। ये पी क्यू का स्क्वायर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर करणी में लग जाएगा 119। तो जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 119 आएगा। तो पी क्यू की लंबाई 119 आई। अब जो भी ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा हो आप उसमें मैच कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, कितना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब हम आगे की बात करते हैं और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर। तो भैया वो एक वृत्त देखिए आपका ये कौन सा प्रश्न है, 4 नंबर ना, हाँ। तो कह रहा है एक वृत्त खींचिए, चलो भाई सॉरी आपने वृत्त तो खींचा परंतु वृत्त अच्छे से बना नहीं, ये एक वृत्त हमने खींच लिया ठीक, जिसका केंद्र क्या मान लेते हैं ओ मान लेते हैं, जिसका केंद्र ओ मान ली। आगे क्या कर रहा, अब आगे कर रहा है प्यारे बच्चों कि दी गई समान, दी गई रेखा के समांतर, दी गई रेखा के समांतर। अब एक रेखा पहले से दिया है प्यारे बच्चों, वो रेखा हम मान लेते हैं ये है कोई आर और एस, ये कोई रेखा आपको पहले दी गई है, चलिए ये कोई रेखा आर एस है ठीक। अब आगे क्या कर रहा, दी गई रेखा के समांतर उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो, दूसरी क्या हो छेदक रेखा हो और एक क्या हो स्पर्श रेखा हो। तो ऐसा समझ लो ना प्यारे बच्चों, ये अगर हम मान लेते हैं इस रेखा का नाम क्या है छेदक रेखा है, क्यों, क्योंकि ये दो बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रहा, और जो हमने एक रेखा बनाया है, एक रेखा जो दी गई रेखा है, दी गई रेखा कौन है ये पी ओ, क्या मान लेते हैं क्यों मान लेते हैं प्यारे बच्चों। और अब कह रहा है समझो ये जो रेखा है ये रेखा दी गई रेखा है, ये कह रहा है भाई कि दी गई रेखा के समांतर एक ऐसी रेखा खींचिए जो छेदक हो, तो ये मैंने छेदक रेखा खींचा, और कह रहा एक आप और एक रेखा खींचिए जो कि क्या हो स्पर्श रेखा हो, जो कि क्या हो स्पर्श रेखा। तो ये हमने नाम दे दिया भैया टी और यू, ये रेखा का नाम क्या हो गया स्पर्श रेखा। अब देखिए स्पर्श रेखा भी इसके समांतर है और छेदक रेखा भी इसके क्या है समांतर है। और वही वो प्रश्न भी कह रहा था कि आप कोई एक वृत्त खींचिए जिसको दी गई रेखा कौन है पी क्यू है, इसी के समांतर स्पर्श रेखा भी होना चाहिए और इसी के समांतर छेदक रेखा भी होना चाहिए। तो यही प्यारे बच्चों आपका क्या है 4 नंबर प्रश्न कंप्लीट हो जाता है ठीक। उम्मीद है कि आपको ये पूरा प्रश्नावली 10.1 अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत।